अब हम हमारा आखिरी तजुर्बा करेंगे, जिसमें ये हमारे पास ग्लास में पानी है और हम इसमें कुछ गार और कचरा डालेंगे, इसमें हमने डाल दिया। अब हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से पानी में मिला दिया है। अब हम इसका मुशाहिदा करेंगे, तकरीबन 5 घंटे तक हम इसको ऐसे ही रखेंगे और गौर करेंगे कि इसमें क्या तब्दीलियां होती है, क्या चेंजेस आते हैं। तो हम इसका गौर करने वाले हैं। इस पानी को जो है 5 घंटे हो चुके हैं, अब हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या हुआ है। आपको क्या नजर आ रहा है? मिट्टी है जो नीचे गिर चुकी है ना, जो कचरा है ऊपर। जैसे कि आपको नजर आ रहा है तो मिट्टी है, जो मिट्टी के जरात है वो नीचे बैठ चुके हैं और जो कचरा है वो ऊपर तैर रहा है। इससे हमें क्या पता चला कि जो मिट्टी की जरात होते हैं ये पानी से तो वजनी होते हैं, मगर चूंकि वो बहुत ज्यादा बारीक होते हैं इसीलिए उनको तहनशीन होने के लिए यानी पानी के नीचे बैठने के लिए बहुत ज्यादा वक्त लगता है। जो बारीक बारीक होते हैं इसलिए उनको वक्त लगता है। और जब मिट्टी के जरात या बारीक बारीक जरात पानी की तह में बैठते हैं तो इसको तहनशीनी कहा जाता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जब हम लोगों ने पानी में मिट्टी गार मिलाई थी तब पानी बहुत ज्यादा खराब था, अभी पानी उसके मुकाबले साफ नजर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसी पानी को लेकर हम वहां आगे तजुर्बा करने वाले। तो हम इसमें का जो थोड़ा सा पानी है उसको निकाल लेंगे, ऊपर का जो पानी है निकाल लेंगे। अब हमारे पास में 2 हो गए हैं पानी के गिलास जो है, जिसमें एक है जिसमें तह में मिट्टी बैठी हुई है और थोड़े ऊपर मिट्टी की जरूरत है, और दूसरा गिलास है इसके जो ऊपरी हिस्सा है इसमें जो है कचरा नजर आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला गिलास है, ये पहला गिलास है, इसमें हम लोग फिटकर घुमा लेंगे। अभी हमने पहले पहला जो गिलास था इसमें फिटकर घुमाया है, अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने देंगे। अब जो हमारा दूसरा गिलास था, इस गिलास के पानी को हम लोग एक चन्नी और कपड़े की मदद से छान लेंगे। तो जैसे आपके सामने देख सकते हो ये एक चन्नी है मेरे पास, चन्नी को मैंने इसमें रख दिया, पकड़ो इसको इस तरीके से, ओके। और ये कपड़ा है हमने जिसको 4 मरतबा मोड़ा हुआ है, इस कपड़े को हमने इसके ऊपर रख दिया। हम इसको ऊपर से पानी को धीरे धीरे इसके ऊपर डालेंगे। इस तरह हमने इस पानी को एक दूसरे ग्लास में निकाल लिया। आप देख सकते हो कि पानी कितना साफ नजर आ रहा है ना, साफ नजर आ रहा है ना, आप देख सकते हो इसको भी खराब नहीं है, बिल्कुल नहीं नहीं भी सकते इसको। ये पानी सिर्फ आपको नजर से नजर में आ रहा है कि साफ है, मगर इसमें बीमारियां हो सकती है क्योंकि हमने इसको सिर्फ जाहिर तौर पर साफ किया है, हमें नहीं पता कितने अंदर कौन सी बीमारियां। अब हम हमारे पहले ग्लास को देखिए, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें जितने भी मिट्टी के जरात थे फिटकरी घुमाने के बाद में, जो फिटकरी थी उसको घुमाने के बाद में वो तमाम जरात जो है पानी के अंदर नीचे बैठ चुके हैं सतह में और ऊपर का पानी आपको साफ नजर आ रहा है। तो हमें इससे क्या पता चला, अगर हम पानी में फिटकरी घुमाए तो फिटकरी जो है मिट्टी के जरात को नीचे बैठने में मदद करती है, जिससे मिट्टी के सारे जरात जो है तह में बैठ जाते हैं। और अगर हम पानी को छान ले, साफ सुथरे पानी को छान ले तो उसमें जितना कचरा होता है वो निकल जाता है, मगर अभी भी ये दोनों जो पानी है पीने लायक नहीं क्योंकि सिर्फ जाहिर तौर पर साफ नजर आ रहे हैं, हमें नहीं पता कि इसके अंदर कौन सी बीमारी है या कौन सी आलोदगी है, तो इसीलिए अभी भी हम उसको पी नहीं सकते। ठीक है।